काल तिमिराल्लक्षा ज्ञानांजन सलाताया चक्षु मिलितांजना तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभिष्यं स्थापितं येन भूतले तं रूपकदामयं ददाति सा पदान्तकम्। वंदे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् आद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दिखवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारण ईश्वर भगवान बहुत से बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर दार्शनिक सारा दुनिया में विचार कर रहे हैं कि भगवान क्या चीज है, भगवान है कि नहीं। और अनेक प्रकार भगवत चिंतन मनुष्य समाज में चालू, परंतु आप समय कहते हैं कि तथापि देव पदाम जगदयां प्रसाद लेशान गृहित ही जानाति तत्तम। भगवत तत्व उसी को मालूम होता है जिसका उपार भगवान की कृपा। साधारण व्यक्ति भगवान को समझ नहीं पाए क्योंकि ये भौतिक जो जीवन है इधर भगवान को भूल जाना ही एकमात्र काम। भौतिक जीवन का अर्थ होता है भगवान को भूल जा। एक वैष्णव कवि शास्त्र सिद्धांत है कि कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे पासे ते माया तारे जापोतिया धौरे। जब मनुष्य भगवान को भूल जाता कृष्ण भूलिया और कृष्ण भूल के भूल रहा का अर्थ होता है कि दुनिया को मैं भोग करूं। जो कर्मी लोग हैं उनका यही विचार है जो जहां तक संभव हो मैं दुनिया को अच्छी तरह से भोग करूंगा, यही विचार चल रहा है। कृष्ण भूलिया जीव भोगवान था कर ये तो भोग तो नहीं कर सकता है परंतु सोचता है कि मैं भोग करूं। इसी का नाम है माया। वो तो वास्तविक भोग नहीं करते भोगा हो जाता है, यानी एक भोग का लक्ष्य करके जो काम करते हैं उसके लिए काम करते 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 परेशान हो जाता है, ये भोगा हो जाता है। उसको और कोई भोग लेता है माया, परंतु वो समझता है मैं भोग कर रहा, किसी का नाम है माया। भोक्ता तो भगवान है, जैसे भगवत गीता में बताया है भोक्ता रम जगत अवसान सर्वलोक महेश्वर श्रीदम सर्वभूताना ज्ञात्या मान शांति निश्चित।
ये कर्मी लोग समझता है कि मैं भोगता हूं, मैं दुनिया को भोग करूंगा, और बड़े बड़े लीडर लोग या जनसाधारण को मित्र बनता है मिनिस्टर बनने के लिए। तो वास्तविक एकमात्र मित्र जो है वो भगवान कृष्ण, श्रीधाम सर्वभूताना। ये जो मित्र है ये अपना जो जान पहचान है उसके मित्र है, बड़े बड़े जो लोग हैं सबका मित्र नहीं हो सकता है। अगर सबका मित्र होता है तो इस जानवर को क्यों स्लॉटर हाउस में भेजता है? सबका मित्र नहीं हो सकता, वो अपना कोई जान पहचान का होता। जैसा मैं अपना स्त्री का मित्र है, पुत्र का मित्र है, या और दो चार आदमी का मित्र है, भाई सबका मित्र नहीं हो सकता, ये संभव है। सबका मित्र तो भगवान कृष्ण श्रीराम सर्वभूताना। ये जब समझ में आएगा जो हमारा जो मित्र है, असल मित्र जो है वो भगवान, जिसको ये बात समझ में आया है उसी को शांति मिल सकती, दूसरे को नहीं। भगवान खुद कहता है ना, श्रीधाम सर्वभूतानाम ज्ञात्या माम शांति मिश्र। इसलिए हमारा बड़े बड़े जो महाजन है, जैसा प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज और बड़े बड़े भक्त सब हो गए हैं, वो दुनिया को मित्र नहीं माना था, अपना पिताजी को भी नहीं मित्र माना। जैसा प्रहलाद वो भगवान को मित्र माना। सब विचार गोपी लोग भगवान को पति माने, ऐसा देखिए बड़े बड़े जो भक्त है उसका सब। जैसा अर्जुन अर्जुन कृष्ण को ही मित्र माने, इस प्रकार महाजन लोग का जो रास्ता है उसको हम लोग अनुसरण करेंगे। महाजना जीन गतस्थ पंथा, तो हमको भगवान को मिल सकता है, भगवान की कृपा मिल सकता है, और भगवान की कृपा बिना भगवान को कोई समझ नहीं पाए, ये सिद्धांत। तथापि ती देव पदाम बुजद्वयम प्रसाद लेसानुगृहित ही जाना तत्तम। जो भगवान की कृपा लाभ किया हुआ है वो भगवत तत्व ज्ञान लाभ कर सकता है, और भगवत तत्व ज्ञान लाभ होने से आपको क्या होगा, क्या लाभ होगा, ये भी भगवान खुद बता रहे हैं। जन्म कर्म में दिव्यम जो जाना थी तत्व, जो व्यक्ति हमारा जन्म कर्म क्या है तात्विक समझता उसको क्या लाभ होता है? तत्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति कौन्ते। हे कौन्ते अर्जुन, जो हमारा जन्म कैसे होता है, कर्म कैसे होता है, और इसको अच्छी तरह से तात्विक जो समझता है इंट्रूथ, उसको ये लाभ होता है कि ये शरीर छोड़ करके पुनर्जन्म नहीं थी, इसको फिर भौतिक जगत में जन्म नहीं हो, पुनर्जन्म नहीं थी, फिर क्या होता है उसको इधर जन्म नहीं होता तो सीधा लय हो जाता है क्या? नहीं, माँ में थी हमारा पास चल गया। और भगवान का पास जाने से क्या लाभ होता है? कोई लाभ होता है माँ मुपेत कौन थी अब दुखालय मथातम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमांग। ये सब विचार भगवद गीता में है। यदि आप लोग भगवद गीता ठीक ठीक पढ़ेंगे और ये ठगबाजी जो भगवान भगवद गीता का टीका टिप्पणी है इसको सब भूल जाएंगे तो भगवत तत्व आपको ज्ञान हो जाए, और भगवत तत्व ज्ञान होने से आपको ये जो जन्म जन्मांतर, एक जन्म छोड़ करके और एक जन्म लेना और एक जन्म लेना,
इसी प्रकार जो आप भ्रमण कर रहे हैं, आप इस स्थान को, इस विज्ञान को कोई जानते ही नहीं, भूल गया ना। तो इसके लिए कोई स्कूल है, कॉलेज है, जिस जीव तत्व क्या चीज है, किस प्रकार ये कुत्ता होता है, किस प्रकार देवता होता है, किस प्रकार मनुष्य होता है, पंखी होता है, कीड़ा होता है, क्यों, ये सभी तो जीव है, ये अलग अलग पृथक पृथक क्यों शरीर है, और क्यों पृथक पृथक स्थान है, और पृथक पृथक उसके दुख शोक भोग है। इस विषय में कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, परंतु हम लोग समझते हैं, हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं, एडवांसमेंट ऑफ मेटीरियल साइंस। व्हाट इज दिस मेटीरियल साइंस? इफ यू डू नॉट नो योरसेल्फ, इसलिए भागवत कहते हैं पराभवस्तावद अवोध जात, जो मूर्ख हो, सब हम लोग जितने अगर बैठे हैं जन्म से सब मूर्ख है। जन्म ना जाए तो शुद्ध, शुद्र का होता है मूर्ख, ज्ञान नहीं है। तो पराभवस्तावद अवोध जात, जितने इस दुनिया में सब जन्म लेते हैं सब अवोध है, उसको जन्म से ही मूर्ख है। अबोध जाता जावन जिज्ञास आत्म तत्म, ये जो मनुष्य जीवन मिलता है, यदि आत्मतत्व जिज्ञास नहीं है तो उसको जो कुछ काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, मिनिस्टर बन रहा है, और जो कुछ हो रहा है वो समझिए सब पराभव, वो हर जा रहा है। He is being defeated. He is not conquering. ये साइंस दुनिया में समझते नहीं, वो समझता है जो हम कोई तरह से एकदम प्रेसिडेंट बन जाए तो हमारा समस्या हल हो जाए। देखिए बड़े भारी जात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका प्रेसिडेंट मिस्टर कैनेडी बहुत रुपया पैसा खर्च करके, आप लोग जानते हैं ये लोग सब जब प्रेसिडेंट मिनिस्टर बनते हैं कितना घूस देते हैं, कितना रुपया खर्च करते हैं, ये सब करके बहुत बड़ा आदमी है, धनी आदमी, सब खर्च करके ये प्रेसिडेंट बना, परंतु एक सेकंड में उसका सब खत्म। एक आदमी देखा हमारा इधर गांधी जी को कभी मार दिया, उसको भी बंदूक से मार दिया, आप लोग सब जानते। तो प्रकृति का नियम यही से है, जो हम लोग बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं इधर में भोक्ता बनने की, बड़ा होने की, बाकी दैविक जैसा गुणमयी मम माया दुरुस्त है, प्रकृति के ऐसी नियम है, सब एक सेकंड में खत्म कर दी, एक सेकंड ज्यादा दे, इसको हम लोग नहीं समझते। और एक सेकंड में शरीर जब खत्म हो गया उसका बाद आपका प्रेसिडेंट और बिल्ला चिल्ला कुछ नहीं चलेगा, उसका बाद तो फिर प्रकृति का नियम से आपको और एक शरीर लेने पड़ेगा। अगर आप कुत्ता का ऐसे काम किया है तो कुत्ता का शरीर लेने पड़ेगा, और यदि देवता का ऐसे काम किया है तो देवता का शरीर लेने, ये प्रकृति का नियम है। कर्मणा दैव नेत्रेण, इस साइंस को समझना चाहिए, और ये साइंस जो है, विज्ञान जो है, ये विज्ञान भगवत गीता में अच्छी तरह से बताया हुआ है, समझाया हुआ है, बाकी दुर्भाग्य है ये गीता को जो व्याख्यान करने वाले हैं ये सब अलग अलग मनमाफी सब व्याख्यान करते हैं, और आदमी को समझिए विपदगामी कर दे। इसलिए ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, कृष्ण भक्ति रस भावितावती, इसका एकमात्र उद्देश्य है जो भगवत गीता एज इट इज इसको प्रचार करना। भगवत गीता में कृष्ण भगवान मत्त नान्नद अस्ति, मत्त परतरं नान्नद अस्ति किंचित् धनंजय, भगवान कहते हैं जो मुझसे बढ़कर के और कोई तत्व है, वो ये शास्त्र सिद्धांत है, एक नहीं कृष्णा तो क्या एडवर्टाइज कर रहा,
ये सब शास्त्र का सिद्धांत है। कृष्ण तु भगवान स्वयं, भगवान जो है वो कृष्ण, उनका वैभव प्रभाव विलास अनेक मूर्ति है, परंतु असल जो मूल भगवान है, मुख्य भगवान है वो कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान। और कृष्ण ऐसे नहीं है कि केवल आपका भारत के लिए है, ये हिंदू के लिए है, नहीं। कृष्ण कहते हैं सर्वजोनी सुकौंते असंभवंती मूर्ते, सारा 84 लाख जोनी में जितने मूर्तियां सबके मैं पिता, इसलिए भगवान ही भोक्ता, सबके पिता भगवान है, सब भगवान कृष्णा केवल भारत की नहीं है, ये हिंदू के लिए नहीं है, ये विचार नहीं है, ये विचार ये अमेरिकन लोग यूरोपियन लोग ठीक से समझे हुए हैं, इसीलिए कृष्ण भक्ति को ग्रहण किया, ये हिंदू धर्म ग्रहण नहीं किया। हिंदू धर्म मुसलमान धर्म कृष्ण धर्म क्रिश्चियन धर्म ये तो सब अलग अलग है, परंतु भगवान कहते हैं जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, ये कृष्ण धर्म कृष्णा है और कृष्ण कौन सा, ये जो ये सबके लिए है, सारा दुनिया है, इसीलिए सारा दुनिया ग्रहण भी कर रहे हैं। आप लोग का उचित है कि जहाँ पर देश में भगवान कृष्णचंद्र उदय हुए थे, आविर्भाव हुए थे, इसलिए आपका विशेष का आपका गुजरात, कृष्ण तो गुजराती थे, आप लोग का पी है उसको मथुरा में, तो उनको मासूलाल है उधर जन्म हुआ था, बाकी उनको पितराल है गुजरात, तो ये तो हमारा स्वाभाविक अपना आदान प्रदान का विचार है, कृष्ण सबके लिए है। तो आप लोग को विशेष क्लेम है, जैसे भगवान कृष्णचंद्र को जादव कहा जाता है, जदुवंश, कृष्ण कोई वंश का है नहीं, परंतु कृष्ण कृपा करके जहाँ आविर्भाव होते हैं उनके भी कोई दुर्लभता है, उनका नाम है, इसलिए कृष्ण को जादव कहा जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप चंदन जो है वो मलय देश में पैदा होता है, इसलिए चंदन का मलयज चंदन कहा जाता है। इस प्रकार भगवान कृष्णचंद्र ये वृंदावन में लीला किया था और आपका द्वारका में राज्य किया था, तो भगवान सबके लिए है, परंतु विशेषता है ये वृंदावन मथुरा द्वारका, क्योंकि वह भगवान स्वयं लीला थे, इसलिए सबके उचित है, जिससे भगवान से गभीर संपर्क है, यही कृष्ण भक्ति रसभाविता होते सारा दुनिया में किस तरह से प्रचार हो उसके लिए कोशिश कर जरूर कीजिए, ये आपका अधिकार है और इसमें भगवान कृष्ण अत्यंत संतुष्ट हो। भगवान भगवत गीता में बताए न तस्मात मनुष्य सु कश्चित में प्रिय कृतम, जो भगवान के नाम गुण प्रचार करते हैं दुनिया में उससे बढ़कर प्रिय दुनिया में और कृष्ण का कोई है नहीं, ऐसे भगवान का। तो भगवान को यदि आप प्रिय होने चाहते हैं यही होना चाहिए, यही जीवन का साफल्य है। देखिए गोपी लोग वो कोई ब्राह्मण का कन्या नहीं थे, गांव के और ग्वाला ग्वालिनी थे, मूर्ख भी थे, वेदांत तो नहीं पढ़ी और कुछ नहीं, परंतु कृष्ण का आपन जन बन गया, इसलिए उनका नाम इतना है, उनका गौरव इतना है, और उनका जो उपासना है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो आराध्य भगवान ब्रज से तनय तद्भ्याम वृंदावनम, और भगवान जैसा आराध्य वस्तु है इसी प्रकार उनके धाम जो वृंदावन है,
और उपासना जो है गोपी लोग जैसे उपासना किए थे उससे बढ़कर कोई उपासना ही है। देखिए गोपी लोग क्या क्या था, भगवान को केवल भगवान को ही जानते और उनका कुछ काम ही नहीं। भगवान गोचारण के लिए वृंदावन का बाहर चले गए और गोपी लोग सोच रहे हैं जो भगवान का चरण कमल कितना सुंदर कितना नरम और जिसको हम अपना वक्षस्थल में धारण करने भी मालूम होता था कठिन है, ये चरण जो है भगवान का वो जंगल में घूम रहे हैं और न जाने उसका चरण में कितना पत्थर कांकर लग रहा है और भगवान को तकलीफ जरूर हो रहा है, ये सोच सोच करके गोपी लोग घर में रोते। इसका नारायण भगवत गति कृष्ण कौन सा कृष्ण में भी कृष्ण कहीं बाहर में रहे कहीं कुछ बात नहीं है, सब समय कृष्ण चिंतन करना वही सबसे बड़ा योग है। भगवत गीता में ऐसे बताए योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गत अंतरात्मना सद्ध्यावान भजते जो मां समय युक्त तमो मत। जितने योगिया है बड़े बड़े योगी वो सब योगियों से एक बड़ा योगी कौन है जो कि सब समय अंतरात्मा में कृष्ण का चिंतन कर जैसे गोपी लोग कर, ये सबसे बड़े योगी है, ये शास्त्र का विचार है। और इस प्रकार भगवत चिंतन में यदि आप समाधिस्थ हो जाएंगे सब समय, ये नहीं है जो गोपी लोग जा करके आसान ध्यान धारणा प्राणायाम करके भगवान को जोग करते, स्वाभाविक तौर से केवल कृष्ण चिंतन जीवन ऐसा बना लीजिए स्वाभाविक तौर से कृष्ण चिंतन होगा। चाहे आप बिजनेस में रहिए चाहे कारखाना में रहिए फैक्ट्री में रहिए और चाहे इंजीनियरिंग कीजिए और कोई भी काम कीजिए पॉलिटिशियन कीजिए, जैसा अर्जुन लड़ाई भी करते थे और कृष्ण चिंतन भी करते, युद्ध समान अनुस्मरण कृष्ण यही उपदेश दिया था। कृष्ण ऐसी बात नहीं बोले कि आप युद्ध छोड़ छाड़ कर जंगल में चला जाओ और हमारा चिंतन करो, जो चिंतन करने वाला होगा वो कहीं भी रहेगा कृष्ण चिंतन करेगा। तो ये कृष्ण चिंतन और कृष्ण भावना अमृत और कृष्ण कॉन्शसनेस ये दुनिया में प्रचार हो रहा और उसका फल भी मिल रहा। देखिए सारा दुनिया में कृष्ण चिंतन करने को शुरू कर दिया, सब समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा ये प्रतिष्ठान जो है अभी बग्गू भाई आप लोग को सुनाया ये प्रत्येक मंदिर में कम से कम 25 से 50 कहीं कहीं और ज्यादा ऐसी भक्त है जो आपको सामने मौजूद और इनका सवेरे 4 बजे से शुरू करते। आप लोग जानते हैं सूरत में हम लोग इधर है हम लोग का काम कार्यक्रम शुरू हो जाती है सवेरे 4 बजे और रात 10 बजे तक और कभी कभी ज्यादा भी, यही कृष्ण कॉन्शसनेस और कुछ काम ही नहीं है। ये आप लोग देख रहे हैं रोजाना 2-4 जगह में ऐसा मीटिंग हो रहा है, सवेरे हमारा आरती दोपहर में आरती शाम को आरती, हम लोग को फुर्सत ही नहीं। फिर जाकर के एडिटोरियल डिपार्टमेंट है, ये बड़े बड़े भारी भारी सब किताब जो कुछ कुछ छपाया है आपको सामने मौजूद है और भी किताब छप रहे हैं, 5 लाख बैक टू गॉड इथ बहुत काम हमारे पास है, आदमी भी बहुत है काम भी बहुत है कृष्ण कॉन्शसनेस चीज है। तो सबको जो भगवान जो अनलिमिटेड है इसका भक्तों भी अनलिमिटेड हो सकता है, आप लोग अगर सब इसमें योगदान करें तो आप देखिएगा आपका 24 आवर्स काम है कृष्ण कॉन्शसनेस। ऐसी सुंदर यह आंदोलन है, इसलिए हमारी निवेदन है जो आप लोग प्राणी रथई दिया वाचा श्रीराचरणम सदा, प्राण से अर्थ से और बुद्धि से वचन से ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट को चालू कीजिए, दुनिया का सुख होगा आपका सुख होगा
हाँ भगवान भी सुखी हो। भगवान भी जब देखेंगे कि हमारा भक्त लोग हमारा नाम गुण लीला पुरिकर वैशिष्ट प्रचार करने में उद्योगी है तो भगवान जरूर, भगवान तो खुद कहते ही है न तो तस्मात मनुष्य कश्चित में प्रिय थे। भगवान का प्रिय होना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और ये सरल उपाय कृष्ण भक्ति को प्रचार कीजिए, अपना जीवन से धन से वचन से बुद्धि से देखिए आपका जीवन सफल हो जाए, यही हमारा निवेदन है। थैंक यू वेरी मच। हरे December 24, 1974, 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 1